सत श्री अकाल द पंजाब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का मैं जज सिंह चहल स्वागत करदा। पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी दे लई कुछ भी चंगा नहीं हो रहा सी, पर हुण आम आदमी पार्टी नूं पंजाब दे विच एक वड्डा हुंगारा मिलिया है, जिथे एक पासे जय सिंह रोड़ी जो कि बागी धड़े दे विधायक सन उन्होंने अपनी घर वापसी कर ली है, उधर दूजे पासे जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस जोरा सिंह ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है, जिस मौके भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने उन्होंने ज्वाइन करवाया। इस मौके भगवंत मान का की कहना सी अते की सी माहौल उस वेले दा तुसी उह देख लो। सत श्री अकाल दोस्तों, अज आम आदमी पार्टी के परिवार के विच वाधा होया, साढ़े काफले नूं अज बल मिलिया जदों रिटायर्ड जस्टिस जोरा सिंह जी उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है आम आदमी पार्टी। जस्टिस जोरा सिंह किसी जानकारी दे मोहताज नहीं, बहुत सारे 35 साल की उन्होंने सर्विस है, तो जुडिशरी की और बेदाग सर्विस है उन्होंने, तो लाइमलाइट च आम लोगों तक उन्हों की पहुँच जी उदों हुई जदों बरगाड़ी जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का बेअदबी कांड होया, तो प्रकाश सिंह बादल होरां दी सरकार ने जस्टिस जोरा सिंह कमीशन बना के उहदी जांच का जिम्मा दिता, तो उन्होंने बड़ी निरपक्ष और बिल्कुल ग्राउंड लैवल पर जाके जीरो ग्राउंड पर जाके उन्होंने कला पॉइंट नोट करके उन्होंने रिपोर्ट तैयार की, पर बदकिस्मती नाल उस रिपोर्ट नूं नहीं सीरीयस लिया गया सरकार वालों, क्योंकि उन्होंने पता सीगा कि रिपोर्ट जिहड़ी है इहदे इशारे जिहड़े ने उह शायद उन्हां वाली सीगे। सो इस करके जस्टिस जोरा सिंह जी ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके अपना फर्ज निभाया। उस तो बाद भी जिहड़ी जस्टिस रणजीत सिंह जी की जिहड़ी रिपोर्ट आई है ऑलमोस्ट उही पॉइंट उन्होंने पिक किए ने। सो अज आम आदमी पार्टी के काफले नूं बल मिलिया, मेरे नाल जस्टिस जोरा सिंह जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने। मैं जोरा सिंह जी को जस्टिस सब कहूँगा कि प्लीज़ की वो सोचते हैं किस तरह। मैं सब तो पहला मान साहब का धनवादी, सीएम साहब का भी बहुत धनवादी है, क्योंकि अज इन्हों की हारी में मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहा। ये मैं 35 ईयर मैं जज रहा है। ये पार्टी क्यों ज्वाइन की है इस बारे मैं थोड़ा जहा कहना चाहना गया। आम आदमी पार्टी ही एक पार्टी है जिहड़ी कि पब्लिक की सेवा कर सकती है। अजकल दे पोलीटिकल सुनियर तो मैं लगे भी एक यही पार्टी है जिहड़ी कि बेस्ट ने की सर्विस दे सकती है, और मैं अपनी रिमेनिंग जिहड़ी लाइफ है पब्लिक वास्ते पब्लिक की सेवा वास्ते डिवोट करने वास्ते मैं ये पार्टी में ज्वाइन किया। पार्टी का जो दिल्ली का है सब पहला महला क्लीनिक जेडे इन्होंने शुरू किए गए वो हर एक पास बड़ी तारीफ हो रही है, फ्री लोगों सर्विस, फ्री टैसट, मैडिसन फ्री, ये किसी होर स्टेट इस तरह मैं नहीं लगे गया। एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत उच्चा पहुँच गया है, इस करके मैं ज्वाइन करने वास्ते मैं थोड़ा रीजन एक दो सोचे भी इन ज्वाइन करना चाहिए। मैं अदरवाइज रिमेनिंग लाइफ रिटायर्ड लाइफ कहीं पब्लिक को कोई फायदा नहीं है। मैं गरीब लोग जो आम जनता है उन्होंने सेवा वास्ते चाहता सी ये जी पार्टी के जो प्रिंसिपल दिल्ली है वो ही पंजाब लागू हो। एक होर पॉइंट बड़ा वधिया इन्हों का आम आदमी पार्टी दिल्ली ने किया है, जो आर्मी के दिल्ली के रेजिडेंट पुलिस के किसी अनफॉर्चुनेटली कोई कैजुअलिटी हो जाती है उन्होंने 1 करोड़ रुपया इन्होंने पेमेंट कर रहे हैं। ये बिग अमाउंट वैसे तो अपना जो आदमी चला गया वो आप पूरा नहीं कर सकते, घाटा फैमिली को कोई मतलब होर रिलीफ नहीं दे सकते, पर यह जो फाइनैशियल रिलीफ है ये थोड़ा मोटा वो जो गुजारा हो सकता है। पंजाब इस तरह का कोई पॉइंट नहीं है, और मैं चाहता भी ये दिल्ली के जो प्रिंसीपल है जो दिल्ली की पॉलिसी हैगी है वो पंजाब भी इंप्लीमेंट असी कर सकी, इस करके मैं दिल्ली पार्टी जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। थैंक यू अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली, तो नाल एक होर खुशखबरी भी है साढ़े अपने परिवार के मैंबर जिहड़े ने जय किशन रोड़ी जी MLA गढ़शंकर वो हैगे तो परिवार च ही ने, तो वो कहें सियाने कहें सवेर का भुलिया शाम को घर आ जाए उन्होंने भुलिया नहीं कहते। सो असं यही कहेंगे कि वो पार्टी च आ गए, वो पार्टी ही सी। सो उन्होंने फैसला किया कि मैं हूँ खुल के नीतियों के नाल चलूँगा, तो वह भी उन्होंने भी अज सू ज्वाइन किया। तो मैं एक मिनट लिए सीएम साहब को कहूँगा कि वो अपने विचार
आज आम आदमी पार्टी के लिए बहुत उत्साह का दिन है। जो जस्टिस जोरा सिंह जैसी बहुत बड़ी शख्सियत आम आदमी पार्टी में शामिल हो रही है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत उत्साहित हैं इस बात से कि आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने जस्टिस साहब का बातें सुनी होंगी, उन्होंने पूरा ठोक पीट के जांच करके आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। जैसा उन्होंने बताया कि अकेली पार्टी है जिसने शायद आज़ादी के बाद 70 साल में पहली बार जनता की शिक्षा, जनता की स्वास्थ्य, अस्पताल, स्कूल, शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का सम्मान, ये सारी चीज़ें 70 साल में किसी पार्टी ने नहीं की। कोई आके आपको पार्टी ये नहीं कहती कि जी हमने ये कर दिया था, स्कूल ठीक कर दिए तुम्हारे, इसलिए हमें वोट दे दो। अकेली आम आदमी पार्टी है जो लोगों की, जनता की बात कर रही है, भ्रष्टाचार दूर किया दिल्ली के अंदर। सो हमें आने वाले समय में जज साहब के गाइडेंस मिलेगी उनके 35 साल के एक्सपीरियंस से और उन बहुत उनका इंटेलेक्चुअल और जुडिशियल वो रहा है उसका हमें एक्सपीरियंस का मदद मिलेगी। आज हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, जितने भी साथी आए हैं सबका स्वागत है। शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ पे आए, आपका आपके आभारी हैं हम। आम आदमी पार्टी पंजाब में विपक्ष में है, पहली बार हुआ है कि एक पार्टी जो 4 साल पुरानी पार्टी थी जब 17 में इलेक्शन हुआ तो पहली बार ही इलेक्शन लड़ी और 20 MLA हमारे जीते और विपक्ष में गए। और पहली बार हुआ कि 1920 की बनी हुई पार्टी अकाली दल पहली बार तीसरे नंबर पर चली गई, उनकी 14 सीट आई। आज वो विपक्ष में बैठने के भी काबिल नहीं है जो लगभग 100 साल पुरानी पार्टी। इससे पहले 2014 में 4 MPs पंजाब से जीत कर आए, आई एम वन ऑफ देम। और इसलिए आम आदमी पार्टी जो है पंजाब में बहुत अच्छा कर रही है, काफ़ी देर से अच्छा कर रही है। और आम आदमी पार्टी का एक आधार जो बहुत मजबूत बन गया है पंजाब में, तो आज हमारे लिए एक बहुत ही खुशी का और गर्व का दिन है, भाग्यशाली समझते हैं हम। जो 35 साल जुडिशरी का जिनके पास तजर्बा है, बेदाग इनकी सर्विस रही है, वो आज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे काफिले में शामिल हो रहे हैं, हमारे आम आदमी पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। जस्टिस जोरा सिंह ने वैसे तो बहुत ही ऐतिहासिक फैसले 35 साल में जहां जहां भी पोस्टिंग हुई ईमानदारी से इन्होंने जस्टिस किया, लेकिन आम लोगों तक बच्चे बच्चे की जुबान पर इनका नाम तब आया जब 2015 में बरगाड़ी कस्बा है कोटकपूरा के पास, वहां पे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हुई, बहुत बड़े लेवल पे उसका विरोध हुआ, उसके दोषियों को सजा देने की बात चली, मोर्चे लगे, वहां पे फायरिंग भी हुई, 2 लड़के उसमें मारे गए। और उसके बाद प्रकाश सिंह बादल और होम मिनिस्टर उनके बेटे सुखबीर। तो अनु इथे दस देना चाहुंदे आ कि ए ओही जोरा सिंह ने जिन्हां दे नां ते जोरा सिंह नां दा कमिशन पिछली अकाली भाजपा दी सरकार प्रकाश सिंह बादल ने कमिशन बनाया सी, जिस दी जिम्मेवारी सी बेअदबी कांड अते गोली कांड नूं सुलझाउणा। पर उस नूं लै के, उस कमिशन दी रिपोर्ट नूं लै के ना तां बादल सरकार ने कुछ कीता सी अते ना ही कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार ने कुछ कीता है। इस नूं लै के हुण सुखपाल सिंह खैरा ने इस ते प्रतिक्रिया दित्ती है। ट्वीट करके सुखपाल सिंह खैरा ने लिखिया है कि आम आदमी पार्टी दे विच बैंकरप्सी है अते जोरा सिंह दी कोई भी पंजाब दे विच लोकप्रियता नहीं है, इस नाल आम आदमी पार्टी दा पलड़ा पंजाब दे विच भारी नहीं होण वाला। जो भी स्थिति आम आदमी पार्टी दी है, जोरा सिंह दी उन्हां सिद्धे सिद्धे कहण दा मतलब ए सी कि जोरा सिंह ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करन दे नाल आम आदमी पार्टी नूं पंजाब दे विच कोई भी फायदा नहीं होएगा। पर खैरा चाहे जो भी कहण, पर एक फिलहाल आम आदमी पार्टी नूं इत्थे हुंगारा, एक पॉजिटिव हुंगारा जरूर मिलता दिखाई देता है। तो यही सवाल हुण असीं तुहाडे तों पुछ लैणा चाहुंदे आ कि की रिटायर्ड जस्टिस
ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਖਬਰ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।